नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन लाइफ पाथ नंबर 3 एंड लाइफ पाथ नंबर 5, मतलब मैरिज कंपैटिबिलिटी, लव कंपैटिबिलिटी। ज़्यादातर हम कहेंगे कि लाइफ पाथ नंबर 3 और 5 के बीच में क्या होता है। 3 के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आज एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं हम इसमें लाइफ पाथ नंबर 5, कि उसके साथ उसका पेयर कैसा रहेगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा पेयर हो सकता है। क्यों? 3 मतलब गुरु, ये समझ लीजिए ये एक ऐसी जोड़ी बनने जा रही है कि जिसमें एक तरफ आ गया गुरु और एक तरफ आ गया व्यापारी, कि एक है गुरु और एक है व्यापारी, तो ये जोड़ी मिल के बहुत अच्छी तरह बन सकती है। मगर ऐसा है नहीं कि जब दो लोग मिलेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, उनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा तो सृष्टि का नियम है नहीं। जहाँ दो लोग मिलते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और उनके बीच में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो वो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये मिलके एक बहुत अच्छा पेयर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्यापारी और गुरु की जोड़ी, मैंने जैसे बताया कि ये जोड़ी एक बहुत अच्छी बन सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ अगर एक टीचर है, एक टीचर को हमेशा आय हमेशा कम मिलती है, हमेशा वो लो पे स्केल पे चलता है, मगर जहाँ वो व्यापार की उसके साथ बुद्धि जुड़ती है, अब ये एज अ पार्टनर के रूप में कह लीजिए या उसके अपने प्लैनेट्स कह लीजिए, कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ट्यूशंस करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली और तरीक़ों से ऑनलाइन पैसा कमाने लग जाएगा। तो वहाँ टीचर को बुद्ध मिल गया, तो ज़रूरत है, क्योंकि सरस्वती की अपने आप में एक बहुत वैल्यू है, मगर लक्ष्मी की ज़रूरत इस संसार में जीने के लिए चाहिए होती है। तो उस हिसाब से जिसे हम कहते हैं पैसा, और पैसे की तरफ कैसे उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, कैसे उससे पैसा कमाना है, तो वो आपको जो सलाह दे सकता है वो लाइफ पाथ नंबर 5 वाला या डेस्टिनी नंबर 5 वाले से अच्छा कोई नहीं दे सकता। उसको फंड्स मैनेज करने आते हैं, उसको पता है कि मैं कहाँ पैसा लगाऊंगा, इसको कैसे कमा सकता हूँ। एक डेस्टिनी नंबर 5 ही ऐसा है जो कोई भी प्रोफेशन की अगर नॉलेज लेता है या सीखता है तो वो उसको प्रोफेशनली कर पाता है, उससे प्रोफेशनली पैसा निकाल पाता है। बहुत कम नंबर्स होते हैं जो जो चीज़ सीखते हैं उससे पैसा कमा सके। हमने अक्सर देखा है डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन यूज़ करते हैं, मगर कई बार MD बन जाते हैं और उसके बाद और तरीके से पैसा कमाते हैं। उस हिसाब से कई बार हम लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशन की पढ़ाई करते हैं, मगर हम करियर अपना किसी और में या प्रॉफिट हम किसी पैसा हम किसी और चीज़ में कमा पा रहे होते हैं। तो ये 5 डेस्टिनी वाला ही ऐसा होता है कि जो चीज़ सीखेगा उसको कन्वर्ट बिजनेस के अंदर कर पाता है या जॉब के अंदर, मतलब पैसा उससे कमा पाता है। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात है कि 3 वाला के बारे में मैंने बताया हुआ है और भी वीडियोज़ के अंदर, कि ऑटोमेटिकली बड़ा उसूल वाला टीचर, उसूल फ्यूचर के बारे में उसने सोचना है कि फ्यूचर में कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, और 5 वाला सोचेगा फ्यूचर में कहाँ से पैसा आ सकता है। दोनों की दोनों फ्यूचर की तरफ तैयारी कर रहे हैं, मगर एक की तैयारी है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसको ख़त्म करो, उसको देखो, उसको एनालाइज करो, और एक किया कहाँ से फ्यूचर में पैसा आ सकता है, उस तरफ जाओ, इस रास्ते पे आगे जाके पैसा है, इस आदमी पे इन्वेस्ट करें तो हम कमा सकते हैं। कमाएंगे या नहीं कमाएंगे वो एक एस्ट्रोलॉजिकल मैटर है, मगर जो सोच होती है वो ये होती है कि इस तरफ हम जा सकते हैं तो इस तरफ हम पैसा कमा सकते हैं। मिलके ये एक बहुत अच्छी फैमिली बना सकते हैं। 3 वाले का काम क्या होगा, जो लाइफ पाथ नंबर 3 वाला होगा, वो फैमिली को मॉरल वैल्यूज़ देगा, फैमिली को उसूल सिखाएगा, धर्म कर्म जो भी उसकी एक रिचुअल्स होते हैं, जो उसके पेरेंटल ने उसको रिचुअल्स, जो पेरेंट्स ने उसको रिचुअल्स सिखाए होते हैं, जो उसके अंदर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या फीड किया गया, उसके हिसाब से वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। सामने वाले के हिसाब से नेगेटिव है क्या है वो एक अलग चीज़ है, मगर उसके हिसाब से जो उसको टीचिंग्स मिली हुई हैं वो उसके लिए पॉजिटिव है, और वो टीचिंग्स को वो आगे फैमिली को देता है एज इट इज़। फैमिली का केयर टेकर होता है, फैमिली को कैसे वो टीचिंग्स देनी है, फैमिली को कैसे फ्यूचर के लिए तैयार करना है, उसकी सेफ्टी, उसको नॉलेज, वो सारा काम 3 वाला करेगा। इस तरफ 5 वाले का क्या काम होगा, 5 वाला ये सब चीज़ें नहीं करेगा, 5 वाला कहेगा मैंने इसके लिए फंड्स जोड़ने हैं, मैंने इसके ताकि 10 साल का पूरा हो तो इसके ऐसे इतने पैसे आ जाएं, इसको पैसे से कैसे मैं हेल्प कर सकूं फ्यूचर में अपने बच्चों को, तो ये चीज़ें 5 डेस्टिनी वाला देखेगा। तो दोनों मिलके मैंने जैसे बताया ना कि बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, दोनों मिलके बहुत वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स की, ये क्या वजह हो सकती है। देखिए, एक चीज़
तीन वाला जो होगा वो हमेशा स्टेप्स को बड़े सोच समझ के सेफ्टी के साथ रखना चाहेगा, तो वो पांच वाले की ऊपर हमेशा नजर रखेगा कि ये कहीं कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जो हमारे को प्रॉब्लम हो, और उसको हमेशा एडवाइस करता रहेगा। थोड़े लेवल में कह सकते हैं, धमकी भी कह सकते हैं कि देखो ऐसा हुआ तो ऐसा मत करना, ऐसा होगा तो फिर बाद में मुझे मत कहना। तो पांच वाले के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहेगा कि मेरे स्टेप से कहीं ये हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो वो छुपाने की कोशिश करेगा। बहुत चीजें ऐसी होंगी जिसमें वो पांच वाला छुपाने की कोशिश करेगा कि यार मतलब मुझे करना, एक स्पेकुलेशन टाइप भी कर सकता है वो। तो कई स्टेप्स ऐसे उठाएगा फाइनेंशियली जो तीन वाले को पसंद नहीं आएंगे, तो वो हो सकता है छुपाएगा, छुपाएगा तो पकड़े जाने के भी चांसेस होते हैं, तो ये एक अलग मैटर हो गया। तो ये स्टेप्स में, जो फाइनेंशियल स्टेप्स के अंदर, तीन वाला हमेशा पांच वाले के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या थोड़ा बहुत रुकावटें डालने के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, तीन वाले की तरफ से एक प्रॉब्लम और आ सकती है, पेरेंटल इश्यूज रहेंगे कहीं ना कहीं। ये उसकी बेचारे की किस्मत में ऐसा कि पेरेंटल इश्यूज रहेंगे, पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट भी रहेगा, तो जहां से सपोर्ट आएगा वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो वो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स उसको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। उसको जैसे अपने पेरेंट्स की कुछ बातें छुपानी पड़ेंगी, कुछ अपने परिवार का ना एक केयर टेकर होगा, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी ना ये लोग बाहर नहीं आने देते। अगर इनके पेरेंट्स पे कुछ नेगेटिव भी हुआ होगा या कुछ भी नेगेटिव होगा तो ये कोशिश करेंगे कि उसको आगे अपने इन-लॉज तक, अपने बच्चों तक ना जा पाए। इधर पांच वाला थोड़ा सा फ्री माइंड होगा, रिलैक्स होगा कि उसको इतना परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों से, क्योंकि लविंग नंबर है ना ये, बुध का नंबर है, बच्चा भी होता है, व्यापारी भी होता है, तो उसको व्यापार से मतलब है, उसको एक कई बार मन उसका बच्चा सा होता है, तो वो तीन के साथ अपने आप को एक, जिसे हम कहते हैं ना, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको एक अच्छापन लगता है कि तीन से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको एक सिक्योरिटी लगती है। तो तीन वाले को उससे फैमिली की जो प्रॉब्लम आएंगी वो थोड़ी बहुत उसको खुद को ही परेशान करेंगी, पांच वाले को नहीं परेशान कर सकती, तीन वाले को खुद को ही परेशान करेगी। तो ये चीजें जो हैं ये थोड़ी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट, एडवाइजरी नेचर जहां जहां तीन का बढ़ेगा, जहां जहां जुपिटर के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब वो ये समझ लीजिए कि जुपिटर के अंदर जहां जहां प्रॉब्लम्स आएंगी, जब जब जुपिटर अफेक्टेड होगा तब तक उनके बीच में रिलेशंस में खराबी होगी, क्योंकि झगड़े होंगे, वो झूठ बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे तो आपको पता है, सॉरी, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी जहां जहां खत्म होती है वहां वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, बाकी इतना कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी ये पेयर एक अच्छा पेयर आप बना सकते हैं, और चीजें देखनी पड़ती हैं, और भी नंबर्स पे डिपेंड करता है, मगर ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर आप सिर्फ बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर पे ट्राई कर रहे हैं ये पेयर, तो एक अच्छा पेयर है। तो दोस्तों, आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।